नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आइए आज हम आपको बताते हैं आधार री वेरीफिकेशन फॉर्म KYC अगर आपके पॉस में आता है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी सेटिंग में जाइए वहाँ पर आधार री वेरीफिकेशन का ऑप्शन आएगा, फिर उसमें आपका आधार नंबर लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे, उसके बाद उस पर वैलिड आधार पर आप टिक कर दीजिए। इतना करने के बाद फिर आप अपना RD सर्विस, जो भी आप मशीन यूज करते हैं, उसको लगाइए, फिंगर लगा के उसे थप लगाइए, आधार आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कहते हैं, मैं अपने पॉस को फिर से मिनिमाइज करिए, उसको काटिए, फिर उसको उस पर दबा के रखिए, ऐप इन्फो पे जाइए, उसके बाद क्लियर डाटा ऑल कर दीजिए, ओके पे क्लिक करिए, फिर उसके बाद आप ऐप को फिर मिनिमाइज कर दीजिए, फिर से आप ऐप को फिर से लॉगिन करिए, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद उसमें जो भी आपको अलाउ करने के लिए बोल रहा है आप अलाउ करते जाइए। अलाउ करने के बाद पोस्ट आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ये भी सर और स्लो है, ये देखिए एजेंट सर्वर कुछ स्लो होने के कारण फिर से ये एजेंट फेल हो गया। फिर से करते हैं, इस बार लॉगिन हो गया है, यह पॉस सक्सेसफुली लॉगिन। अब हम आपको फिर से दिखाते हैं, ये देखिए अब मोबाइल वेल्टी पे गए, डन किया और ये आपका पॉस फिर से ओपन हो गया। अब आप सिम कार्ड एक्टिवेट कर सकते हैं। धन्यवाद।